सिर्फ मैं नहीं हूँ, या मास्टर स्ट्रोक की टीम नहीं है, या एबीपी नेटवर्क नहीं है, पूरा देश इस वक्त चाहता है कि आफताब को फांसी से भी ज्यादा खतरनाक सजा मिले। लेकिन मुझे श्रद्धा से भी बात करनी है, क्योंकि मेरी शिकायत श्रद्धा से भी है, और ये शिकायत श्रद्धा तुमसे इसलिए है क्योंकि 25 साल तक जिन मां बाप ने तुम्हें कलेजे से लगाकर रखा, तुम जिनका जिगर का टुकड़ा थी, जिनका हाथ पकड़कर 25 साल तक तुम अपनी जिंदगी का हर लुत्फ उठा रही थी, इस आफताब को जाने कुछ महीने ही हुए थे, इससे मोहब्बत हुए तुम्हें कुछ ही महीने हुए थे, तुमने उस 25 साल की मोहब्बत को दरकिनार कर दिया। तुम तो बच्ची थी ना उनकी, तुम अपने मां बाप से झगड़ती, जिद करती, उनका हाथ पकड़कर कहती कि जब तक आप नहीं मानोगे मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन तुमने ऐसा किया श्रद्धा, और फिर इस लड़के ने तुम्हारे साथ जो किया वो सिर्फ हमारा कलेजा सिर्फ सोच सोच कर कांपने लगता है। हर उस लड़की से आज मैं मास्टर स्ट्रोक के जरिए ये कहना चाहती हूं, अगर ऐसा कोई कदम उठा रही हो तो फिर अपने मां बाप की तरफ देखना, और फिर आज की स्टोरी को बार बार देखना, कदम वो मत उठाना कि इंसानियत कांपने लगे।